हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फाइल हैंडलिंग के अंदर पिकल मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, अब तक हमने फाइल हैंडलिंग में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं वो सब टेक्स्ट फाइल के ऊपर किए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम पिकल मॉड्यूल का यूज करते हुए बाइनरी फाइल्स के ऊपर रीड राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर स्टूडेंट, पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं, जब हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पिकलिंग और एक अनपिकलिंग। पहले बात करता हूँ मैं पिकलिंग। स्टूडेंट, आप सब लोग जानते हो कि पाइथन के अंदर, पाइथन जो हमारी लैंग्वेज होती है, वो उसके अंदर हर एक चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट। जब हम उस क्लास ऑब्जेक्ट को बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है पिकलिंग। पिकलिंग एक क्लास ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रिंग में बदलने की एक प्रक्रिया है, ताकि इसे फाइल में स्टोर किया जा सके। इसे ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, का मतलब क्या हो गया समझिए एक बार। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे बाइनरी फाइल्स की, तो बाइनरी फाइल्स का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो भी डेटा सेव रहेगा वो एक बाइट स्ट्रीम के रूप में सेव रहेगा, मतलब टेक्स्ट के रूप में सेव नहीं रहेगा। हम उस डेटा को मतलब आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, उसको हम सिस्टम ही हमारा पढ़ सकता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पाइथन में हर एक चीज क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि आपको वेरिएबल बनाया वो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट आपकी एक ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी टपल ये सब क्या एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, बाइट स्ट्रीम के अंदर, और बाइनरी फाइल के अंदर इसको सेव कर देते हैं। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में बदलने की प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं पिकलिंग। और इसी प्रोसेस को हम ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन भी कह सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, सीरियलाइजेशन हो जाता है। मतलब इसको एक क्रम के अंदर, एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ये बार कहलाती है पिकलिंग। जब भी हम पिकलिंग करते हैं इसके लिए हमारा फंक्शन होता है एक डंप फंक्शन। जैसे इसका बता दूं एक बार, पिकलिंग और अनपिकलिंग, मतलब पिकलिंग करो अनपिकलिंग करो, इसके लिए जो मॉड्यूल होगा वो कौन सा होगा, हमारा पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल हम करेंगे। और जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं डंप फंक्शन। डंप फंक्शन स्टूडेंट क्या करता है, ये जो फाइल्स में राइट नहीं करता है, जो राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पिकल के रूप में, मतलब एक ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के अंदर बाइट स्ट्रीम के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो डंप क्या हो जाएगा, डंप फंक्शन। इस फंक्शन का उपयोग पिकलिंग को करने के लिए किया जाता है। पिकलिंग मतलब पिकलिंग क्या समझ गए आप, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम बदलने की एक प्रक्रिया। यह एक फाइल में लिखने के बजाय बाइट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बाइट ऑब्जेक्ट्स के रूप में ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बाइट ऑब्जेक्ट के रूप में पिकल रिप्रेजेंटेशन में रिटर्न करता है। पिकल मतलब समझते हो आप, पिकल क्या होता है, ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम बदलने की एक प्रक्रिया, ये होगी आपकी पिकलिंग। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बाइट ऑब्जेक्ट के रूप में पिकल रिप्रेजेंटेशन में रिटर्न करता है। और यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पिकल मॉड्यूल संबंधित। और ये मेथड है, ये वाला कौन सा मेथड, डंप मेथड। पिकल मॉड्यूल से संबंधित है, मतलब पिकल मॉड्यूल के लिए ये मेथड। इस डंप मेथड के द्वारा हम बाइनरी फाइल्स के अंदर कुछ भी राइट करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि पिकल मॉड्यूल है, इसका फंक्शन है डंप, तो पहले मॉड्यूल का नाम, बाद में हमारा डंप फंक्शन। इसके दो आर्ग्यूमेंट है, पहला है डेटा ऑब्जेक्ट, दूसरा है फाइल ऑब्जेक्ट। अब ये इसका एक एग्जाम्पल देखो आप, देखो एक बार ये एग्जाम्पल है इसका। पहला क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने, एक पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इसको ध्यान से समझना है, इसको कि बाइनरी फाइल में किस प्रकार से राइट करते हैं। बाद में मैं इसको अभी आपको पाइथन के मोड के अंदर भी इसको एक्सेस करके रन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है, इसका नाम रखा है मैंने लिस्ट वैल्यूज। इसमें जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, उसका नाम हो गया, उसका जेंडर हो गया, उसकी एज हो गई, ये मैंने इसके अंदर स्टोर करवा के रख लिए। ठीक है, अब एक बनाई फाइल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ किसका इस्तेमाल किया मैं, डब्ल्यू बी, मतलब बाइनरी फाइल के अंदर कुछ राइट करना हो तो उसके लिए किस मोड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस मोड कौन सा है हमारा, डब्ल्यू बी। टेक्स्ट फाइल होती है तो यहाँ पे क्या लिखते, सिंपल हम डब्ल्यू। अब ये बाइनरी फाइल है, इसलिए इसका एक्सटेंशन क्या है, .dat मतलब डेट फाइल, जो क्या होती है हमारी बाइनरी फाइल। इस फाइल का नाम रखा है मैंने माय बाइनरी। अब ये एक फाइल ऑब्जेक्ट, आपको तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और ये है हमारा ओपन। जब भी हमको नई फाइल ओपन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसका ओपन का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में कर देते हैं इसको क्लोज। मैंने ओपन किया एक बाइनरी फाइल और इसका एक्सेस मोड दिया डब्ल्यू बी, जिससे कि हम बाइनरी फाइल के अंदर कुछ राइट कर पाए। अब हमने इस्तेमाल किया डंप फंक्शन का। अब ये पिकल मॉड्यूल से संबंध रखता है, इसके लिए हमने आगे क्या लिखा, पिकल डॉट डंप लिखा। और बाद में लिस्ट वैल्यूज क्या हो जाएगी, हमारी डेटा ऑब्जेक्ट। और फाइल ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा हमारा, ये जो फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है हमने, वो डेटा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये वाला। क्योंकि ये एक लिस्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम किस ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे, बाइट स्ट्रीम के अंदर। तो ये हमारी फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डेटा ऑब्जेक्ट इसको कन्वर्ट हो जाएगा फाइल स्ट्रीम के अंदर, लास्ट में फाइल कर देंगे। अब स्टूडेंट ये तो क्या हो गया एक तरीके से, मतलब पिकलिंग हो गई। इसके अंदर हमने एक क्लास ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम के अंदर
कन्वर्ट करके बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर करके रख दिया। अब इस फॉर्म को रीड करना हो तब हम करते हैं अनपैकिंग के लिए जो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा लोड फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर राइट करने के लिए कौन सा था डंप, वैसे रीड करने के लिए क्या होगा हमारा लोड फंक्शन। और लोड फंक्शन और डंप फंक्शन दोनों ही पिकल मॉड्यूल से संबंध रखते हैं, इसलिए सबसे पहले हमको हमेशा पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करके रखना होगा। तो बात करते हैं पहले अनपैकिंग की। अनपैकिंग की पिकलिंग का उल्टा मतलब बाइट स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करेगा, क्लास ऑब्जेक्ट में। पिकलिंग में क्या होता है कि क्लास ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, अनपैकिंग बाइट स्ट्रिंग को किसमें करेगा, क्लास ऑब्जेक्ट को। अनपैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाइट स्ट्रिंग को वापस एक क्लास ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। यह पिकलिंग का उल्टा संचालन है, इसे डीसीरियलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, सो कहते हैं सीरियलाइजेशन, सो कहते हैं डीसीरियलाइजेशन, मतलब पिकलिंग का उल्टा अनपैकिंग। इसमें क्या करेंगे, बाइट स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करेंगे, वापस क्लास ऑब्जेक्ट में। पिकलिंग और अनपिकलिंग बाइनरी फाइलों का उपयोग करके किया जाना चाहिए क्योंकि बाइट स्ट्रिंग का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट आप सब जानते हो बाइनरी फाइल्स के अंदर क्या होंगे, बाइट्स होंगे, मतलब डेटा किसमें होगा, बाइट्स के रूप में होगा। जब बाइट स्ट्रिंग का समर्थन करते हैं तो पिकलिंग और अनपिकलिंग दोनों ही बाइनरी फाइल के अंदर ही की जाती है। पिकलिंग और अनपिकलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं पिकल मॉड्यूल का। फंक्शन कौन सा होगा हमारा, लोड फंक्शन। इस फंक्शन का उपयोग बाइनरी फाइलों से पिकल ऑब्जेक्ट को पढ़ने और ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए किया जाता है। पिकलिंग से हमने जो ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था उस बाइट्स को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमको उसको पढ़ना हो तो हम पिकल ऑब्जेक्ट को वापस किसमें कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसको हम फाइल को हमारे को पढ़ते हैं। और ये मेथड किसमें आता है, पिकल मॉड्यूल। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सिंपल इंपोर्ट पिकल, पिकल डॉट लोड, और इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट होता है फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें डेटा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। डेटा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हम जब हमें क्लास ऑब्जेक्ट को फाइल ऑब्जेक्ट में बदलना, क्लास ऑब्जेक्ट को नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर बदलना, सॉरी डेटा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें क्लास ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम बदलना होता है। लेकिन यहाँ हमें बाइट स्ट्रीम को वापस ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको यहाँ पर डेटा ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ सिंपल इस्तेमाल करते हैं फाइल ऑब्जेक्ट का। इसका एग्जाम्पल देखो आप, सबसे पहले हम करेंगे पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट, उसके बाद जो भी फाइल का डेटा है हमारा, जैसे पहले मैंने बाइनरी फाइल बनाई थी एक, उसको हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहले एक मैसेज प्रिंट करवा दिया डेटा That was stored in a file. मतलब फाइल के डेटा कौन सा स्टोर है, वो एक मैसेज प्रिंट कराया, उसको हमने फाइल को ओपन किया। कौन सा मोड लिया हमने, आरबी। कौन सा मोड है हमारा, ये आरबी, मतलब उनको बाइनरी फाइल को रीड करना है तो आरबी, मतलब बाइनरी फाइल में से डेटा रीड करने के लिए कौन सा मोड होता है, एक्सेस मोड। कौन सा है हमारा, आरबी, हमारी फाइल वही है माई बाइनरी डॉट डेट। यहाँ पर हम मिल गया फाइल ऑब्जेक्ट। अब हम इस्तेमाल करें पिकल लोड मेथड का। अब यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट पेयर, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रीम है, तब क्या करेगी बाइट स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करेगा, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर। हमारा लोड फंक्शन है, फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी डेटा था हमारा उसको लोड करेगा और उसकी जाएगी अनपिकलिंग, मतलब जो बाइट स्ट्रिंग का डेटा था वो किसमें जाएगा, नॉर्मल क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस वेरिएबल के अंदर वो होगा। अब हमने फाइल ऑब्जेक्ट को बंद कर दिया और जो इसके अंदर डेटा है हमारा उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया पढ़ने की, ये हमारी हो गई अनपिकलिंग। अब स्टूडेंट ये तो पिकलिंग और अनपिकलिंग तो हो गई, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि पिकलिंग और अनपिकलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी बाइनरी फाइल्स होती है, बाइनरी फाइल्स के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर स्टोर रहता है। तो उस स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर स्टोर डेटा को हमको अगर किसी भी समय कैलकुलेट करना हो, मतलब पढ़ना हो या डंप करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हम पिकलिंग और अनपिकलिंग करते हैं। जब हम फाइलों में कुछ स्ट्रक्चर डेटा संग्रहित करते हैं और किसी समय गणना करना चाहते हैं तो हमें पिकलिंग और अनपिकलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट वन है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट वन के अंदर स्टूडेंट वन की डिटेल होगी, जैसे जिसका नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन वगैरह जो कुछ भी है सारी। वैसे ही एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, स्टूडेंट टू। अब स्टूडेंट टू एक अलग ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट वन एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट वन में स्टूडेंट वन का डेटा होगा, स्टूडेंट टू में स्टूडेंट टू का डेटा होगा, मतलब दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट के डेटा को मैं एक फाइल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, इस माना कि बाइनरी फाइल है, इस्तेमाल करूंगा मैं डंप फंक्शन का। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को मैं एक बाइनरी फाइल के अंदर डाल रहा हूँ डंप फंक्शन के द्वारा। तो ये जो मेरी पूरी प्रक्रिया है क्या कहलाएगी हमारी, पिकलिंग। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, पिकलिंग। अब जो पिकलिंग के माध्यम से मैंने इन दो क्लास ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में स्टोर कर दिया, मतलब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को अगर मुझे रीड करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं स्टूडेंट वन को इस लोड बनने के बाद इसको यहाँ से निकालूंगा, स्टूडेंट वन की डिटेल को पढ़ूंगा, स्टूडेंट टू की डिटेल पढ़ूंगा, इसके लिए इस्तेमाल करूंगा मैं लोड बनने का, क्या लोड बनने का रीड करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा अनपिक। ठीक है, अब स्टूडेंट एक मैं आपको इसका एक प्रोग्राम बनाना था दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आपकी बुक का ही प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ बना के रखा है, ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है।
तो बाइनरी फाइल्स के अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये बाइनरी नाम का प्ले, ओके। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से थोड़ा समझना एक बार, ठीक है। प्रोग्राम आसान है, बस थोड़ा लंबा है, जिसको लंबा समझ कर ये बस सोचना कि प्रोग्राम फेल। तो प्रोग्राम इजीली है, इसको समझना एक बार। हम किस पर काम कर रहे हैं अभी, बाइनरी फाइल्स के ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमको बाइनरी फाइल्स के ऊपर खुद से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने फाइल हैंडलिंग के जरिए, तो जिसका इस्तेमाल करते हैं पिकल मॉड्यूल का। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पिकल मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब मैं ऐसे एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, मतलब बाइनरी फाइल के साथ में काम कर रहा हूँ। अब बी फाइल, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक फाइल ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ। इसका नाम रख रहा हूँ मैं emp file.dat। क्या नाम रख रहा हूँ मैं, emp file.dat। और इसका मोड कौन सा कर रहा हूँ, ए बी मतलब अपेंड मोड, मतलब अगर फाइल में, अगर मेरी emp फाइल पहले से बनी हुई है कुछ, उसके आगे मुझे कुछ लिखना है, तो मोड कौन सा इस्तेमाल किया मैंने, ए बी, ठीक है। अब ये आर सी नंबर, मतलब रिकॉर्ड नंबर वन स्टार्ट का, जैसे कि मुझे फाइल में कितने एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लूप भी लिखा रखा है। स्टार्ट कहाँ से करूंगा मैं, वन से। अब उसके आगे वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, ऐसे होता रहेगा। यहाँ पर मैंने लूप के लगा रखा है रिकॉर्ड प्लस वन, मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा, जितने एम्प्लॉइज रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहते हो उतने एम्प्लॉइज रिकॉर्ड आप एंटर करवा सकते हो। एंटर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर प्रिंट, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर दिया। अब हम आ रहे हैं लूप के अंदर, इसको आप ध्यान से लेना। प्रिंट रिकॉर्ड नंबर आदि से नंबर, मतलब सबसे पहले आदि से नंबर में क्या था, वन, यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड नंबर वन। अब रिकॉर्ड नंबर वन में क्या जाएगा, इनपुट ले रहे हैं हम, एम्प्लॉय के नंबर, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय कितने अलाउंस मिले, कितना एक्स्ट्रा, मतलब उसके अलाउंस मिले हैं उसको, और बाद में कर रहे हैं टोटल सैलरी। टोटल सैलरी में हम बेसिक और अलाउंस, मतलब अलाउंस और बेसिक सैलरी को जोड़ दें, तो क्या बनेगा हमें टोटल सैलरी। टोटल सैलरी को हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अब स्टूडेंट, ये एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी है, अलाउंस है और टोटल सैलरी है, इसको हम लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अब लिस्ट में जो हमारी ई डेटा नाम की जो लिस्ट है, इसमें ई नंबर, ई नेम, ई बेसिक, अलाउंस और टोटल, ये जो भी आए हैं, ये सब कहाँ से आएंगे, इस वेरिएबल्स की सहायता से जो यूजर अपनी कन्वीनियंस के अनुसार रन टाइम पर देगा। अब इस्तेमाल कर रहे हैं हम डंप मेथड का, ठीक है। ई डेटा क्या है हमारा, ये हमारा ई डेटा क्या हो गया, ये हमारी लिस्ट का नाम है, ये क्या हमारा, एक ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। और ई बी फाइल क्या है हमारा, ई फाइल हमारा है फाइल ऑब्जेक्ट। पिकल मॉड्यूल के माध्यम से हम बाइनरी फाइल्स के अंदर इस क्लास ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइट स्ट्रीम्स के अंदर। अब आगे पूछ रहा है ये, डू यू विश टू एंटर मोर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड आपने, एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड हमने एंटर करवा दिया, अगर आपको और रिकॉर्ड एंटर करवाना है तो आप बोलोगे यस, अगर आप नो करते हो तो इस कंडीशन में आ जाओगे, आंसर इज लोअर एंड, मतलब नो में आपका आंसर होता है, तो आपकी क्या जाएगी, रिकॉर्ड एंट्री ओवर हो जाएगी और आप ब्रेक हो जाओगे, मतलब लूप से बाहर आ जाओगे। लेकिन आप यस करते हो तो आपके लूप चलता रहेगा और आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की डिटेल को एंटर करवा सकते हो। ये हमारा हो गया वाइल लूप। जब हम स्टूडेंट रिकॉर्ड एंटर करवा देते हैं, मतलब फंक्शन के माध्यम से बाइनरी फाइल्स के अंदर स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिकॉर्ड एंटर करवा देते हैं, उसके बाद हम आते हैं इस फाइल को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, रिट्राइविंग द साइज ऑफ फाइल, मतलब हमारे जो कितने एम्प्लॉइज डेटा हमने इसमें एंटर करवाया, उसकी साइज ऑफ फाइल हमको चाहिए, फाइल की साइज देखनी है हमको, इसमें टैल क्या करता है, जो हमारी फाइल की साइज होती है उसकी 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 वैल्यू को इंटीजर में रिटर्न करता है, जो भी बाइनरी फाइल साइज होगी उसको रिटर्न कर देगा हमारा टैल फंक्शन, और फाइल को कर देंगे हम क्लोज। अब फाइल को क्लोज करने के बाद अगर आपको उसको इस बाइनरी फाइल के अंदर से डेटा को पढ़ना है, तो इस्तेमाल करते हैं लोड फंक्शन का, ठीक है। तो रीडिंग द एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल यूजिंग लोड मॉड्यूल। नाउ रीडिंग द एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल, मतलब एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को फाइल में से पढ़ना है हमको, तो स्टार्ट करेंगे हम रिकॉर्ड नंबर वन से, ठीक है, रीड रिकॉर्ड नंबर वन, ये बना दिया। अब इसमें ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ पर कोई हमारी एक्सेप्शन आ जाता है किसी वजह से कि हमने फाइल ऑब्जेक्ट नाम गलत लिखा है, या हमने फंक्शन का नाम गलत लिखा है, हमने फाइल का नाम सही नहीं लिखा है, कोई भी हमारा, अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाता है, जिसको हम ट्राई एक्सेप्ट भी करते कैच भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो जैसे ही पूरा होगा उसके बाद मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग को दोनों कंबाइन करके भी बताऊंगा। अब स्टूडेंट नीचे में इस्तेमाल लिखा विद ओपन। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने विद, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब तक मैंने आपको फाइल ओपन करना बताया मैंने आपको, आप इस प्रकार से ओपन करते हो फाइल इक्वल टू ओपन, ठीक है, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही बार लिखा मैंने emp file.dat, और अब जैसे कि हम इस प्रकार से फाइल को ओपन करते हैं,
बी फाइल फाइल ऑब्जेक्ट बाद में ओपन किया इस प्रकार से, तो हमको लास्ट में बी फाइल को क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम विद का इस्तेमाल करते हुए फाइल को ओपन करते हैं तो हमें क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्लोज छोड़ दो तो भी सही है, नहीं करोगे तो भी सही, ठीक है। अब हमको डेटा को रीड करना है, हमने वापस से लूप लगाया व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है जब तक हमारा डेटा रीड करते रहेंगे, जहां हमारा फॉल्स हो जाएगा वहां पे डेटा रीड करना बंद कर देंगे। अब की डेटा ये क्या हमारा क्लास ये ऑब्जेक्ट स्ट्रीम सिक्कल डॉट लोड बी फाइल, जो हमारे फाइल ऑब्जेक्ट है जो डेटा होगा उसको हम लोड करते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे जब तक हमारा लूप चलता रहेगा, जब तक हम डेटा को पढ़ते रहेंगे। रिकॉर्ड नंबर जो भी रिकॉर्ड नंबर हम देंगे स्टार्ट होगा वन से, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे प्रिंट की डेटा, उसको हम प्रिंट कर देंगे, बाद में रिकॉर्ड आगे बढ़ेगा वन से टू टू तक, इस प्रकार से उसको पढ़ते रहेंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे, नहीं आती है तो हम सिंपल फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा हो गया एक मतलब जंप मेथड की सहायता से, सॉरी जंप नहीं सिंपल मॉड्यूल की सहायता से किस प्रकार से बाइनरी फाइल में राइट करते हैं उसके बाद में रीड करते हैं। इस प्रोग्राम को आपको मैं एक बार चेक कर दूँ रन कर देते, ठीक है। क्या पूछा वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, एंटर रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड नंबर वन, एम्प्लॉय नंबर वन दे दिया जैसे कि मैंने एक हजार, ठीक है एम्प्लॉय नंबर 1000, एम्प्लॉय का नाम दे दिया मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल रिकॉर्ड नंबर वन, ठीक है। अब इसकी फाइल की साइज क्या होगी 62, जो हमने टेल मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे किया था, उसको यहाँ पे ठीक है। इससे क्या हुआ हमारे टेल मेथड में बताया फाइल साइज क्या 62। अब नाउ रीडिंग द एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल, फाइल रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो रिकॉर्ड नंबर वन जो मैंने इसमें जब प्रोग्राम बनाया था एंटर करवाया था 101 रोहन सैलरी 15000 अलाउंस 1000 16000, रिकॉर्ड नंबर टू जो आपके सामने रिकॉर्ड एंटर करवाया पिना का या 1000 का तो एंट्री नंबर हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गई। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा को रीड और राइट करवाया। तो ये जो हमने काम किया कैसे किया, हमने पिकलिंग और अनपिकलिंग, पिकलिंग क्या होगी क्लास ऑब्जेक्ट को बाय स्ट्रीम कन्वर्ट करना और अनपिकलिंग वापस से बाय स्ट्रीम को क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ताकि हम उसको रीड कर सकें। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, कल हम कुछ बाइनरी फाइल्स के और एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ और कंबाइंड प्रोग्राम देखेंगे, उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से काम होता है। और स्टूडेंट आप किसी भी वीडियो को बीच में से देखना स्टार्ट न करें क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं, तो आप पहले वाले वीडियोज पहले देखें बाद में सारे वीडियोज को देखें, जिससे आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आसान समझ में आ जाए। आज की वीडियो में इतना स्टूडेंट, धन्यवाद।